अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C-36 के जरिए उपग्रह रिसोर्स सेट 2A का सफल प्रक्षेपण किया। इससे मौसम की विशेष जानकारी मिल पाएगी। आज सुबह करीब 10:25 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यान ने उड़ान भरी। पीएसएलवी की यह 38वीं उड़ान है, जिसके तहत यह प्रक्षेपण यान 1235 किलोग्राम वजन के रिसोर्स सेट 2A को सूर्य के समकालीन कक्षा में स्थापित करेगा। रिसोर्स सेट 2A रिमोट रिसोर्सिंग उपग्रह है। 1235 किलो का यह सैटेलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देने में सहायता करेगा। साथ ही यह भारत की वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में बताएगा। रिसोर्स सेट उच्च क्षमता वाला एक लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा, मध्य क्षमता वाला एक LISS-3 कैमरा और एक अत्याधुनिक सेंसर कैमरा लेकर गया है। इससे यह जानने में मदद मिल सकती है कि देश के किन इलाकों में कौन से संसाधन उपलब्ध है। इसरो का कहना है कि इस सैटेलाइट का लक्ष्य वर्ष 2003 में प्रक्षेपित रिसोर्स सेट 1 और वर्ष 2011 में प्रक्षेपित रिसोर्स सेट 2 के कार्यों को आगे अग्रसर करना है। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी छलांग है। आपको बता दें कि 1994 से 2016 तक इसरो ने अभी तक कुल 121 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से 79 विदेशी और 42 भारतीय सैटेलाइट थे। देखते रहिए डीपी लाइव।